Hey guys, welcome back to my channel, The Shining Reads. तो guys, आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 100 ग्राम तुअर दाल लेंगे। अब हम इसमें हल्दी, नमक और पानी ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। पानी हम यहाँ दाल की क्वांटिटी से डबल रखेंगे। दाल कुक हो चुकी है, इसको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। यहाँ वेजिटेबल्स में हमने गाजर, आलू, प्याज, लौकी, कद्दू और कटे हुए टमाटर ले लिए। अब हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून छोटी वाली राई और 1 टीस्पून हींग डाल देंगे। दो खड़ी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हींग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इससे सांभर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज और टमाटर डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून सांभर मसाला ऐड कर देंगे। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 टीस्पून सांभर मसाला और ऐड किया है। हम यहाँ इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे। कश्मीरी मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। अब हम इसमें सब्जियों के लेवल तक का पानी ऐड कर देंगे, जिससे सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं, और इसे 15 मिनट तक के लिए कुक होने देंगे। सब्जी कुक हो जाने के बाद मैंने यहाँ इसमें ऊपर से कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऊपर से दाल ऐड करेंगे। अब हम इसे अप्रॉक्स 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता।
तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। सांभर हमारा रेडी हो चुका है। एंड गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।